सोलन में हिमाचल प्रदेश ईटेक संगठन यूथ विंग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता युवा ईटेक प्रदेश अध्यक्ष राहुल तनवर ने की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू व ईटेक प्रदेश अध्यक्ष बबलू पंडित के निर्देशानुसार बैठक में यूथ विंग की कार्यप्रणाली का विस्तार किया गया। सोलन में युवा ईटेक प्रदेश अध्यक्ष राहुल तनवर ने कार्यकारिणी में नई नियुक्तियां की, जिसमें ईटेक सोलन जिला की कार्यकारिणी में युवा जिला अध्यक्ष रोहित चौहान, सोलन ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, कसौली ब्लॉक अध्यक्ष रोहित सैंडल को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर युवा ईटेक प्रदेश अध्यक्ष राहुल तनवर ने नव नियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि ईटेक में हुई पूर्व की गतिविधियों पर कोई चर्चा न करके अब भविष्य की रणनीतियां बनाएं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में कार्यकारिणी का गठन कर ईटेक को मजबूत बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश के मजबूत संघ के अधिकारों का हनन न हो सके। और साथ ही ईटेक यूथ विंग का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईटेक जी तोड़ मेहनत करेगी। युवा ईटेक की आज कार्यकारिणी का गठन हुआ है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, तो इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो हमने आज हमारे रिट्ठू भाई को सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट बनाया है और रोहित चौहान जी को हमने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया है। आज से इस कार्यकारिणी का गठन शुरू हो गया है। अब आने वाले टाइम में हम 12 के 12 जिलों में अपने जो कार्यकारिणी का गठित करेंगे और कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे, जिससे आने वाले चुनाव में हम अपनी जो हमारी लोकसभा की चारों सीटें हैं वो हम जीत सकें। युवा आने वाले चुनाव में पूरी भागीदारी निभाएगा, कांग्रेस को पूरा सहयोग देगा।